हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हमारी जर्नी पहुंच चुकी है 9वें दिन। आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन एक स्पेसिफिक मोशन है और फिजिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जब आप पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे, राइट, तो उन सारे के सारे केसेस में आपको मोशन कभी ना कभी सर्कुलर होती हुई दिखाई देगी। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। और ध्यान रखना, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये थ्रू आउट फिजिक्स किसी भी टॉपिक के साथ मिक्स करी जा सकती है और इसीलिए इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। मतलब आज का वीडियो जो है वो आपको आसानी से 2 या 3 क्वेश्चंस सही करवा सकता है नीट फिजिक्स 2020 के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सबसे पहले तो आपका काम जो आपको करना चाहिए था वो मैंने आपके लिए किया है। 1 पेज नोट्स मैंने बनाए हैं सर्कुलर मोशन के लिए। और सर्कुलर मोशन की जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे अपनों ने लीनियर मोशन की शुरुआत करी थी, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वहां पर हमने देखा था कि अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है तो लीनियर मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है कुछ इक्वेशंस के थ्रू। बिल्कुल उसी तरीके से एंगुलर मोशन की अगर अपन बात करें, सर्कुलर मोशन की अगर अपन बात करें, तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह या एक्सेलरेशन का जो रोल है वो निभाने के लिए आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर भी सिनेरियो वैसा का वैसा ही होगा। इवन फॉर्मूलाज जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो एग्जैक्टली सेम होगी जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। कैसे? यहां पर भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टाइम्स टी के इक्वल होगी। यहां पर भी जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स टी प्लस हाफ टाइम्स अल्फा टाइम्स टी स्क्वायर के इक्वल होगी। और यहां पर भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर जो होगा वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और यहां पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टी के इक्वल होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन जिसमें आपको इन चारों क्वांटिटीज में से कोई सी भी 3 दी जा सकती है और चौथी के बारे में पूछा जा सकता है, वैसे के वैसे क्वेश्चन यहां पर भी पूछे जा सकते हैं और आपको उनके लिए तैयार रहना है। और अगर अल्फा कांस्टेंट ना हो तो हम क्या किया करते थे, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज किया करते थे। यहां पर ओमेगा जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो डी थीटा डिवाइडेड बाय डीटी के इक्वल हो जाएगी। जैसे वी जो होता था वो डीएक्स बाय डीटी के इक्वल हुआ करता था। यहां पर अल्फा डी ओमेगा बाय डीटी के इक्वल हो जाएगा अगर ओमेगा टाइम के फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, और अल्फा ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डीटी के इक्वल हो जाएगा अगर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा अगर ओमेगा को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में दे रखा है। बिल्कुल सिमिलर है जैसे अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी एंड ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स, राइट। 2 अलग अलग तरीके के फॉर्म में दिया जा सकता है आपको एक्सेलरेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, राइट। और अगर उल्टा पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन सपोज करो थीटा की फॉर्म में दे दिया जाए तो हम इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दैट सेज अल्फा टाइम्स डी थीटा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। अल्फा थीटा की फॉर्म में दिया जाएगा तो आप आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। जहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गया वहां पर आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चन ग्राफ की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को, कि कैसे हम बेसिक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उन्हीं पे पूरी की पूरी फिजिक्स का जो पुलिंदा है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको सपोज करो थीटा और टी के बीच का ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ओमेगा कितना होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। तो आप समझ जाना ओमेगा डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब है अपनों को स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के थ्रू आप एक बार फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर रहे हो, साथ ही साथ में मोशन इन सर्कुलर मोशन जो भी उसकी काइनेमेटिक्स है उसको नए तरीके से सीख रहे हो। आई होप आपको बहुत आसान लगा होगा।
अब हम चलते हैं किसके ऊपर, कई बार हमें एंगुलर क्वांटिटीज को लीनियर क्वांटिटीज की फॉर्म में और लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये सारा का सारा कन्वर्जन जो है वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज की फॉर्म में, राइट। तो कैसे होगा, हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, अब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए, मुझे डिस्टेंस बोलना चाहिए या आर्क लेंथ बोलनी चाहिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर टाइम्स थीटा के इक्वल हो जाएगा। पैटर्न पकड़ो, एंगुलर क्वांटिटी को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लीनियर क्वांटिटी मिल जाएगी। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर है कि वी किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो ध्यान रखना v जो होगा वो ओमेगा क्रॉस r के इक्वल होगा। ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर करता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखनी है आपको, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो अगर उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, even in that case that particle will have an acceleration because उसकी direction तो change हो ही रही है, और उस acceleration को हम जानते हैं centripetal acceleration के नाम से। तो centripetal acceleration जो होता है, AR का मतलब है, वो जो acceleration होता है वो हमेशा radial direction में होता है। radial direction का मतलब है particle से center की तरफ जो arrow बनाओगे आप उस direction के अंदर होता है, वो किसके equal होगा, v square upon r, अगर v और r की फॉर्म में लिखा जाए, और ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r अगर ओमेगा और r की टर्म्स में लिखा जाए। तो ये तो एक्सेलरेशन हमेशा ही होगा आपका पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो, राइट। बट अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड के साथ, जैसे पंखा है, जब आप उसको ऑन करते हो तो उसकी स्पीड जो है धीरे 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 इंक्रीज होती है, फिर जब आप उसको ऑफ करते हो तो उसकी स्पीड जो है धीरे 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 डिक्रीज होती है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में ये एक्सेलरेशन तो काम करेगा ही करेगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है। साथ ही साथ में आपका एक टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट भी होगा एक्सेलरेशन का, एंड दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज एल्फा टाइम्स आर, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एटी वेक्टर विल बी इक्वल टू एल्फा वेक्टर टाइम्स आर वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये जो एंगुलर क्वांटिटीज है ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होती है, मैं बोलूंगा हाँ आपको ध्यान रखना है। तो सर ये डायरेक्शन इनकी कैसे निकाली जाती है, मतलब वेलोसिटी और एल्फा की डायरेक्शन तो हमें दिख जाती है, बट सर्कुलर पाथ के अगर ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी जो उससे एसोसिएटेड जो एंगुलर क्वांटिटीज है उनकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो ध्यान रखना सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, एंड उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सर्कुलर मोशन के एक्सिस के अलोंग मानी जाती है। यहां पर ध्यान रखना अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, वैसे तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, अपनी उंगलियों के कर्ल को हमेशा पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में रखना, आपको अंगूठा बता देगा कि ओमेगा अल्फा टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इन सब की डायरेक्शन कहां पर होगी, और एक्सियल डायरेक्शन के अंदर होगी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो डायरेक्शन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अपन इसको रोटेशनल डायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब अपन और डिटेल के अंदर देखेंगे इस चीज को, राइट। अब आते हैं, तो ये तो हो गई काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब हम जस्ट केवल और केवल जो एंगुलर मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटीज जो यूज की जाती है उनके बीच का रिलेशन देख रहे थे। अब अपन बात करते हैं ये एंगुलर मोशन आखिर में करवाता कौन है, सर्कुलर मोशन आखिर में करवाता कौन है। तो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन हमेशा होता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसको ही अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक फोर्स मिलेगा, और उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो देयर मस्ट हैव अ फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी जो शक्ल है वो हमेशा कैसी होगी, m टाइम्स v स्क्वायर अपॉन r अगर v और r की फॉर्म में कहा जाए, और m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r अगर ओमेगा और r की टर्म्स में लिखा जाए। तो ये तो क्वांटिटीज की टर्म्स में हो गई, हमें पता है v और r उसकी क्वांटिटीज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है, ओमेगा और r क्वांटिटीज है जो डिस्क्राइब कर रही है उस मोशन को। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक सीट है, अब इस सीट पे एक्चुअल में कोई सा भी फोर्स आके बैठ सकता है। जब आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहे हो तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर आप
ग्रेविटेशनल मोशन की बात करते हो कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, तो सेंट्रीमीटल फोर्स जो है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स प्ले कर रहा है। अगर आप न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन प्ले कर रहा है। अगर आप सपोज करो किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवाते हो, तो वो भी सर्कुलर मोशन करता है, और उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है वो बन जाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप एक शार्प टर्न लेते हो, राइट, और शार्प टर्न के ऊपर आपकी गाड़ी जो है वो सर्कुलर मोशन कर जाती है, तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए जब जो सड़कें वगैरह है उन पर पानी बिखरा हुआ होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और हम टर्न लेते हुए फिसल जाते हैं, सर्कुलर मोशन के ऊपर मूव नहीं कर पाते क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता। और अगर आपने सपोज करो सड़क को बैंक कर दिया हो बाहरी किनारों पर से, तो उस कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स है उसी का एक कंपोनेंट और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट या दोनों मिलके किसका रोल प्ले करने लगते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगते हैं। अगर जब आप बाइक को मुड़ाते हो और आप अपने आप को टिल्ट कर लेते हो टुवर्ड्स द सेंटर, तो उस कंडीशन में भी जो नॉर्मल फोर्स है उसका एक कॉम्पोनेंट किसका रोल प्ले करने लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप देखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अलग अलग फोर्सेस के इक्वल होगा, और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो सर्कुलर मोशन है उसको मैंने खुद ने आपको बताया कि कम से कम 7-8 जगह तो आसानी से मिक्स किया जा सकता है क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए। तो ये जो चीज है ये आपके लिए एक स्ट्रांग रिवेलेशन की तरह होगा कि हाँ यार, हमें पहली बार ऐसा पता चला कि अब सर्कुलर मोशन जो है वो कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज करी जा सकती है, और वो तो बहुत आसान है। सीधा सीधा उस सिचुएशन के अंदर जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है उसको किसके इक्वल रख दो? एमवी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल रख दो। और ध्यान रखना इस बात को, जैसे ही आप एब्जॉर्व कर लोगे आपको फिजिक्स जो आसान लग रही है धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ऐसा हो आपके साथ, राइट। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट है जो कि मैंने ऊपर अलग से लिखा है बॉक्स के अंदर स्टार बना के, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उसके कारण किया जाने वाला वर्क डन जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो यहां तक की बात तो हुई हमारी नॉर्मल सर्कुलर मोशन और नॉर्मल क्वेश्चंस के बारे में। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो तब बनते हैं जब आप वर्टिकल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन करवाते हो, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के अंदर होने वाली सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी स्पीड भी चेंज होती है हर मोमेंट के ऊपर, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी चेंज होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, जैसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी एप्लीकेबल होता है, राइट, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए ये जो सेगमेंट है वो अच्छे क्वेश्चंस के अंदर यूज होता हुआ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर जब आप सर्कुलर मोशन करवाओगे, राइट, तो ध्यान रखना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर आपने एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है उससे एक छोटे से पार्टिकल को बांध रखा है जिसका मास एम है, और उसको आप वर्टिकल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन करवा रहे हो, राइट। अब आपने यहां से उसको वी ए वेलोसिटी दे दी। अब आप खुद नोटिस करोगे कि अगर ये वेलोसिटी बहुत कम होगी तो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। आपका पार्टिकल बहुत कम वेलोसिटी होगी तो हो सकता है थोड़ा सा जाके वापस से ऑसिलेट करने लग जाए, थोड़ी और वेलोसिटी दोगे तो हो सकता है 90 डिग्री तक जाके वापस से ऑसिलेट करने लग जाए, थोड़ी सी और ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो हो सकता है ऊपर तक जाके फिर जो स्ट्रिंग है वो नॉर्मली लूज हो जाती है, फिर दूसरी तरफ जाता है पार्टिकल, फिर वापस से सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो बन सकते हैं। तो उनको एक साथ समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये लेंथ कितनी है एल, और किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल तक जाने पर पार्टिकल जो है वो कितनी हाइट जा चुका है ऊपर, एच हाइट जा चुका है, यानी कि ये जो एच है ये पक्का किसके ऊपर डिपेंड करती होगी? थीटा के ऊपर डिपेंड करती होगी। यहां से लेके यहां तक की हाइट एल है, यहां से लेके यहां तक एच है, और ये जो लेंथ है ये भी एल है, और एल का थीटा की डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि एच किसके इक्वल होगा? हमेशा एल माइनस एल कॉस थीटा के इक्वल होगा, यानी कि एल को कॉमन ले लोगे तो एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो ये सब सबसे पहली चीज है जो कि आपको जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आएंगे या नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर यूज करनी पड़ सकती है।
फिर इस पार्टिकल के ऊपर आ जाओ, इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा है और एक इधर स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स लग रहा है, और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो खुद उस पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो पार्टिकल तो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, राइट, उस कंडीशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, नॉट इन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, राइट। सो उस कंडीशन में आपका जो सेंट्रीपिटल, मतलब जो एम वी स्क्वायर अपॉन एल है, वो बाहर की तरफ लगेगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इस तरफ, और एक शूडो फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो इनर्शियल नहीं है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल बाहर की तरफ लग रहा है। एम जी को दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, तो आप फोर्सेस को भी रिजोल्व कर सकते हो कि टेंशन किसके इक्वल होगा और ये सारी की सारी चीजें किसके इक्वल होगी। खैर, आपको अगर डायरेक्ट इस डायग्राम से रिलेटेड ये तीन चीजें ध्यान में रह गई तो फिर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको एच तो पता पड़ ही गया, एल टाइम्स एन माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा, वैसे किसी भी थीटा पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वी थीटा स्क्वायर होगा वी ए स्क्वायर माइनस टू जी एल टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा। ये जो रिलेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आया है, आप आसानी से डिराइव कर सकते हो, बट उसकी जरूरत है नहीं, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऐसे किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन थीटा पर जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी हो जाएगी, एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी टाइम्स थ्री कॉस थीटा माइनस टू, ये आपकी टेंशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। अब यहां पे आप देख सकते हो कि थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी जा सकती है, तो अगर आपको लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी दे दी जाए तो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी और किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो उस तरफ अपनों ने लिस्ट आउट कर रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी जब आपका पार्टिकल कहां पर होगा, ए यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इन दोनों ही चीजों से हमने ये एक्सप्रेशन, ये जो फैक्ट है वो फाइंड आउट किया हुआ है इन दोनों एक्सप्रेशन से, राइट। ऐसे टेंशन और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मिनिमम कहां पर होगी, बी पर होगी, मतलब हायर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होगी। अगर आपके लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट टू जी एल से कम होती है या इक्वल होती है तो आपका पार्टिकल 90 डिग्री या उससे कम एंगल तक ही जाकर रुक जाएगा और वापस से ऑसिलेशन करने लगेगा। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट टू जी एल से ज्यादा बट रूट फाइव जी एल से कम होती है तो आपका पार्टिकल 90 डिग्री से तो ज्यादा चला जाएगा बट 180 डिग्री मतलब हायर मोस्ट पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, वो बीच में किसी पॉइंट के ऊपर रुकेगा, सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगी, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी, बट स्टिल कुछ वेलोसिटी रहने की वजह से आपका पार्टिकल फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मतलब जैसे सपोज करो पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, यहां पर स्ट्रिंग लूज हो चुकी होगी, फिर उसके बाद में इसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, फिर ये वापस इस पॉइंट पर आएगा, फिर स्ट्रिंग टाइट होगी और फिर जाके सर्कुलर मोशन करेगा, तो इस तरीके की मोशन होगी। इसलिए मोशन मैंने लिखा है सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे भी। और अगर आपकी जो वेलोसिटी है लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वो रूट फाइव जी एल से ज्यादा होती है या इक्वल होती है तो आपका जो पार्टिकल है वो सेफली क्या कर लेगा, इस सर्कुलर मोशन को वर्टिकल प्लेन के अंदर कंप्लीट कर लेगा। अगर एग्जैक्ट रूट फाइव जी एल के बारे में बात करें, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। इस रूट फाइव जी एल के बारे में आपको अदर फैक्ट्स भी ध्यान रख लेने हैं कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी रूट फाइव जी एल होती है तो लोअर मोस्ट पॉइंट और हायर मोस्ट पॉइंट की जो टेंशन फोर्सेज है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है, वो हमेशा 6 mg के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर वेलोसिटी रूट फाइव जी एल है तो 90 पर आते आते रूट थ्री जी एल रह जाती है और हायर मोस्ट पॉइंट पर आते आते कितनी रह जाती है, रूट जी एल रह जाती है। इस कंडीशन में यहाँ पर रूट थ्री जी एल रह जाती है और यहां पर आते आते रूट जी एल रह जाती है, टेंशन जीरो हो जाता है बट इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ता है और सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है
इस कहानी को आपने अगर ध्यान रख लिया, एक छोटा सा सेक्शन है इस पेज का, अगर इस सेक्शन को आपने ध्यान रख लिया तो आप देखोगे कि आपके क्वेश्चंस को करने की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और छोटे छोटे तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो होने लग जाएंगे। आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे क्वेश्चंस के साथ। नहीं मानोगे मेरी बात तो आपको फिर क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। दैट विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, राइट। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास एम डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है। और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? वो 4 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। तो क्या हम इससे वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आर से तो आर कट जाएगा और वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 अपॉन आर, यानी कि 2 अपॉन रूट आर। यहां तक की बात आई आपको समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमसे पूछा गया है कि बताओ उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा। तो पार्टिकल का मोमेंटम होता है m मल्टीप्लाइड बाय v, m और v हमने अभी अभी ताजा ताजा फाइंड आउट किया था 2 डिवाइडेड बाय रूट आर। थोड़ा सुंदर तरीके से लिखें तो 2m डिवाइडेड बाय रूट आर, ये आपके पार्टिकल का मोमेंटम हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से खुद भी करने की हिम्मत जो है वो पैदा हुई होगी, कम से कम सॉल्यूशन देखने के बाद में, तो कि हाँ यार ये तो हम भी कर सकते थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी भी शर्त वही है कि आपको पहले क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करना है, फिर नहीं हो तो आपको सॉल्यूशन देखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मास ऑफ 2 kg इज वॉल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, जो भी आप कहते हो इसको। कीपिंग द रेडियस कॉन्स्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, द न्यू स्पीड इज नियरली। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर घुमाया जा रहा है और स्ट्रिंग की जो टेंशन है, मैंने बताया था किसकी तरह एक्ट करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। तो 2 kg का पार्टिकल है और टेंशन जो है वो किसकी तरह वर्क कर रही है? आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रही है, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल वर्क कर रही है। यहाँ पे ओमेगा मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि आपको जो स्पीड की इंफॉर्मेशन है वो एंगुलर फॉर्म में दे रखी है। रोटेशन पर मिनट जो है वो बेसिकली एंगुलर स्पीड जो है उसी को लिखा जाता है इस यूनिट के अंदर। अब ये बोल रहा है कि रेडियस को कॉन्स्टेंट रखा गया है और टेंशन को क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। तो टेंशन तो कर दी गई है डबल, ठीक है। मास तो चेंज होगा नहीं पार्टिकल का, ओमेगा चेंज हो गया, सपोज करो ओमेगा 1 हो गया उसका स्क्वायर आर, और रेडियस जो है वो आपकी कांस्टेंट रखी गई है तो सिंपली आर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो जो कहा वो कर दो, राइट। रेडियस को कांस्टेंट रखा, स्पीड चेंज हो जाएगी अपन मान लेते हैं फिलहाल के लिए, और टेंशन जो है वो क्या कर दी गई है? डबल कर दी गई है। तो बताओ ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो अब तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2t से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, राइट। और r से r कट चुका होगा तो ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी ओमेगा 1 की वो हो जाएगी ओमेगा टाइम्स रूट 2। अब ओमेगा हमें कितना दे रखा है? 5 रेडियन पर सेकंड में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हमें आंसर भी आरपीएम में मांगा गया है तो हम इसी में दे देंगे आंसर, राइट। तो 5 को अगर अपन रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 2 7, फिर अगेन 20, यहां पे चला जाएगा 2 और 7, तो 7.070,
ऑलमोस्ट आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 7 RPM आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें डबल करना, रेशियो मांगना, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इफ द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2t³ + 0.5 वेयर थीटा इज इन रेडियंस एंड टी इन सेकेंड्स, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स स्टार्ट इज। तो प्योर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, हमें थीटा दे दिया गया है 2t³ + 0.5। ब्लैक इंक यूज करते हैं, आई होप ब्लू इंक जो है वो इतनी खास विजिबल नहीं होती होगी। हमें थीटा दे दिया गया है 2t³ + 0.5 और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स स्टार्ट पूछी गई। तो सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी के इक्वल होती है, यानी कि हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 6t² और 0.5 कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ओमेगा हो जाएगा 6t². अभी पूछा गया है कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ओमेगा का हालचाल क्या होगा, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे टी की जगह, 2² 4 हो जाएगा और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो आई होप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में भी ये चीज़ चमक गई होगी कि हाँ यार हमें डिफरेंशिएशन करना है, फिर एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसमें टाइम रखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करो आप सब लोग, राइट। ए स्फीयर ऑफ मास m इज टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड रोटेटेड थ्रू द अदर एंड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ विद स्पीड v। द वर्क डन इन फुल हॉरिजॉन्टल सर्कल इज बाय द टेंशन फोर्स, है ना, वो लिखा हुआ नहीं है बट समझ जाना। तो कौन देगा इसका आंसर? इसका आंसर निकालने के लिए आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² / l और उसको अपन टोटल पाथ की जो लेंथ है 2πl उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन हुआ करता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बट ये तो गलत है और इसके बारे में एक डायरेक्ट फैक्ट भी मैंने बता रखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो मोशन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसका जो वर्क डन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम then the ratio of angular velocity will be। अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, टाइम पीरियड निकाला जाता है टोटल डिस्टेंस, तो जैसे पहले वाले का निकालता हूं 2πR डिवाइडेड बाय जो भी इनकी स्पीड रही होगी, तो इसकी स्पीड जो है वो, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में पूछा जाए तो अपन ऐसे लिखेंगे फिर इसको, है ना, हमें इवन रेडियस भी लेने की जरूरत नहीं है। टोटल टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट साइकिल जो है उसके अंदर कितना एंगल चल लेता है कोई पार्टिकल, 2π एंगल चल लेता है, तो एंगल 2π हो गया और स्पीड हो गई इसकी ω1, ठीक है। ऐसे ही तो ये पहले का टाइम पीरियड हो गया और दूसरे का टाइम पीरियड हो गया 2π/ω2। अभी कह रहा है कि दोनों के मासेस अलग है, दोनों की रेडियस अलग है, लेकिन हमें तो पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना तो मास का फर्क पड़ रहा है ना रेडियस का फर्क पड़ रहा है, और कह रहा है कि दोनों का टाइम पीरियड आपस में इक्वल है, यानी कि 2π/ω1 किसके इक्वल है, 2π/ω2 के इक्वल है, 2π से 2π कट जाएगा और ω1/ω2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि उनकी एंगुलर स्पीड्स भी जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, राइट। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगर आप इसको ढंग से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हो तो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज ब्रॉट अंडर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 2 मिनट्स देन व्हाट इज द एंगुलर डी एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन अपन काइनेमेटिक्स में करके आए थे, इसमें अपनों को लिस्ट करना होता है कि अपनों को क्या क्या दे रखा है। तो क्या हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है? आप बोलोगे सर दे तो रखी है 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखो इसको रेडियन पर सेकेंड में करते हैं, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चलता है पार्टिकल 2π और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60। तो अब हमारा आंसर जो है वो किसके अंदर आ गया, रेडियन पर सेकेंड के अंदर आ गया। देखो 60 से 600 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 20π रेडियन पर सेकेंड। तो ये सबसे पहला काम करना है आपको, पहले तो इन्फॉर्मेशन छाटो क्या दे रखी है और उसको SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करो। हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड, क्या हमें फाइनल एंगुलर स्पीड दे रखी है? अब आप बोलोगे दे तो नहीं रखी, बट क्वेश्चन को बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ये फ्लाई व्हील है वो स्टॉप हो चुका है, यानी कि फाइनली उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो चुकी है 0। क्या हमें टाइम दिया हुआ है? तो यहाँ पे दे रखा है 2 मिनट्स और मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड्स आ जाएगा अपना टाइम। तो अब अल्फा निकालना शायद मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन यूज होती हुई नजर आ रही है। कौन सी वाली इक्वेशन यूज होती हुई नजर आ रही है? कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स टी। ओमेगा फाइनल का मतलब 0, ओमेगा इनिशियल का मतलब 20π, अल्फा तो हमें निकालना है और टाइम हमें दे रखा है 120 सेकेंड, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए -20π/120। 0 से 0 क्या 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, -π/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली डी एक्सेलरेशन है इसलिए आएगा ही आएगा, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा अल्फा का वो कितना हो जाएगा 5/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.1 मीटर कैन नॉट बियर अ टेंशन मोर देन 100 न्यूटन। It is tied to a body of mass 100 gram and rotated in a horizontal circle. The maximum angular velocity can be. तो अगेन इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात रिलेट करनी है वो ये है कि टेंशन फोर्स ही किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स जो भी रेडियस है r उसके इक्वल होता है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि जहां पर टेंशन मैक्सिमम होगी वहां पर आपका ओमेगा भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब टेंशन तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये 100 न्यूटन की टेंशन सह सकता है। मास इसका कितना है 100 ग्राम्स, 1 ग्राम के अंदर 10⁻³ यानी कि 1000 से डिवाइड करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगता है। हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 0.1 मीटर दे रखी है। ये 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है। इस 10⁻³ को उधर की तरफ भेजेंगे या पहले इसको यूं सॉल्व कर लो, यहां पे रह जाएगा 1, इसको लिखा जा सकता है 1/1000, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 1/10, तो ये 10,000 हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, रस्सी वस्सी टूटने वाले, कुछ नहीं होता इनके अंदर, ये जस्ट केवल और केवल आपको डराने का काम करते हैं। रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड ऑन नेशनल हाईवे इज आर, विड्थ ऑफ द रोड इज बी, the outer edge of the road is raised by height h with respect to inner edge so that a car with velocity v can pass safely over it, the value of h is।
तो देखो ये इस तरीके की बी विड्थ की एक रोड है, और इसके बाहरी किनारे को इसके अंदर वाले किनारे के रेस्पेक्ट में कितना उठा दिया गया है, थीटा या एच हाइट उठा दिया गया है, एंगल के फॉर्म में बोलो तो थीटा एंगल से उठा दिया गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोल रहे हैं नेशनल हाईवे है, खैर सारी बातें सही है इसकी, बट इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि अपनों को सड़क के ऊपर यानी कि रोड के ऊपर फ्रिक्शन को कंसीडर करना है, मतलब पूरा का पूरा काम जो है वो बैंकिंग की वजह से हो रहा है। तो आउटर एज को इस तरीके से उठा दिया गया है इनर एज के रेस्पेक्ट में, तो बताओ इसकी वेलोसिटी वी मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी ताकि ये यू का यू निकल जाए। अब देखो पहले यहां पर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे दो पार्ट्स के अंदर, पहले तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे अपन। तो यहां पर जो आपकी कार रखी हुई है ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे पीछे से आपको रियर व्यू दिखाई दे रही है, कार ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे मान लो अंदर की तरफ से टर्न आ रहा है तो रियर व्यू दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक सड़क के कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन भी लग सकता था, बट अपन अभी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शन कॉफिशियंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो अब यहां पे क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स आपको ढूंढना है जो कि सेंटर की तरफ वर्क कर रहा हो। तो यहां पे देखो एन जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा टॉप मोस्ट टॉप अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर वाली डायरेक्शन में। जैसे इसका सर्कुलर पाथ का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, तो एक तो सेंटर की तरफ हो गया और एक सड़क के ऊपर की तरफ चला गया। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा और ये हो जाएगा एन साइन थीटा। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो एन कॉस थीटा तो जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, आप बोलोगे सर mg को बैलेंस कर रहा है, और एन साइन थीटा जो टुवर्ड्स द सेंटर है वो बेसिकली किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि mv² अपॉन r की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो सीधा सीधा जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v² अपॉन rg के इक्वल आ जाएगा, यानी कि v जो हो जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट rg टेन थीटा के इक्वल। अब इसको आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो कि एक रोड जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है उसको अगर आप थीटा एंगल से बैंक कर देते हो, उठा देते हो बाहरी किनारे से, तो उसके ऊपर आप एक गाड़ी को आर रेडियस वाले सर्कुलर टर्न के ऊपर मुड़ा सकते हो विथ मैक्सिमम सेफ स्पीड वी इज इक्वल टू रूट rg टेन थीटा से, डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन चालू होता है कि हमसे भी यही पूछा गया है बट हमें थीटा नहीं दे रखा, हमें थीटा की जगह ऐसे पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया गया कि ये एच है, ये बी है, ये फलाना है, ये ढिमका है, राइट इस तरीके से। तो अब हम क्या करें ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि यार ये जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है इसके अंदर जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, एच अपॉन पी के इक्वल है, और अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा ही किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है, और बहुत छोटे एंगल के लिए थीटा ही किसके इक्वल हो जाता है, टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये टेन थीटा की वैल्यू जब अपन यहां पर रखेंगे तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट rg। अच्छा यहाँ पे एक तो अपन स्मॉल आर अपन यूज नहीं करते हैं क्योंकि अपनों को क्वेश्चन में कैपिटल आर दे रखा है, तो ये कैपिटल rg हो गया, वी हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल rg टेन थीटा के इक्वल, और थीटा जो है टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट rg एच अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो v² हो जाएगा r(g)(h)/b। तो यहां से h की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है v² (b)/r(g)। यानी कि आपकी हाइट जो है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, v² (b)/rg। ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। खैर यहां पे हमने एंगल को बहुत स्मॉल इसलिए माना है क्योंकि एक तो ऑप्शंस जो हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं निकालना है। साथ ही साथ में जनरली जितनी भी सड़क की विड्थ होती है, जैसे सड़क की विड्थ कॉमनली
कुछ मीटर्स होती है, 30 मीटर्स हो गई, 20 मीटर्स हो गई, उसके रिस्पेक्ट में जो बैंक किया जाता है वो बहुत कम होता है, लिटरली बहुत कम होता है, कुछ सेंटीमीटर्स के अंदर होता है, राइट। तो इसलिए अपन थीटा को बहुत ही कम अज्यूम कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अ पेंडुलम बॉब हैज ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स लोएस्ट पोजिशन, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर, देन इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the velocity. तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, v theta square is equals to v a square minus 2gl times 1 minus cos theta. ठीक है, मैंने डायरेक्ट थीटा पोजीशन के ऊपर आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके आप इस फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हो. तो हमें सारा का सारा मसाला दिया हुआ है, हमें जस्ट केवल और केवल पुट करना है, हमें 60 डिग्री एंगल के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमें लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू जी अपन ले लेते हैं 10, हमें एल जो है वो कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है, और 1 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है. सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है, 9 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा 10, और 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 2 से 10 कैंसिल होगी 5, और 9 माइनस 5 4 रह जाएगा, यानी कि 60 डिग्री के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी. तो मैंने बताया था आपको कि वो जो कॉर्नर के अंदर सेक्शन दिया हुआ था, उस सेक्शन की इन्फॉर्मेशन को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट. बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाओगे, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो फिर आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया था, और फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा जो हमने लास्ट लास्ट चैप्टर के अंदर सीखा था. लोअर मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा. मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके देखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज एम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इफ द मास इज, इफ द बॉब इज लेफ्ट फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसा डायग्राम में दिखा भी रखा है, देन द स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टेंशन इन द थ्रेड इन द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉब विल बी रेस्पेक्टिवली. अब देखो यहां पे अपन इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करते हैं, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो कितनी हो जाएगी, अगर यहां पर अपन जीरो मानते हैं तो यहां से कितनी हाइट के ऊपर है एल, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि आपने जस्ट क्या है इसको ड्रॉप किया है, छोड़ दिया है इसको यहां से. इधर नीचे वाले पॉइंट पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में आपने वहां पर निकाली थी, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. डायरेक्ट इक्वेट कर दो तो एम जी एल प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एम से एम कट जाएगा, वी की वैल्यू आ जाएगी रूट टू जी एल. तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये पूछ रहा है पोजिशन ऑफ, देन द स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टेंशन इन द थ्रेड एट लोएस्ट पोजिशन ऑफ द बॉब विल बी रेस्पेक्टिवली. खैर हमें समझ में आ गया कि यार ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें जो वेलोसिटी है वो रूट टू जी एल के इक्वल दे रखी है, उसके होने के चांसेस ज्यादा, बट फिर भी अपन वेरीफाई कर लेते हैं, क्या मालूम ऑप्शंस को प्रिंट करने में भी गलती होगी. तो दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, टेंशन फोर्स की बात करते हैं. मैंने बताया था कि टेंशन फोर्स जो होती है, ठीक है, इसका देखो डायग्राम देखो, यहां पर इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो लग रहा है एम जी, ठीक है, एक लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, और पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हमें एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, हमेशा ऐसा करते हैं अपन एम वी स्क्वायर अपॉन एल. तो टेंशन जो है वो टोटल किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, वी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, तो हो जाएगा एम जी प्लस एम टाइम्स टू जी एल डिवाइडेड बाय एल, एल से एल कट जाएगा, टू एम जी और एम जी एड होगी कितना आ जाएंगे
3 mg के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपके टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना दिस क्वेश्चन इज नॉट न्यू। इस क्वेश्चन में दो ऐसी चीजें यूज करी है हमने जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ रखी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ा था, और फोर्सेस को बैलेंस करके टेंशन की वैल्यू निकालना जो कि हमने फोर्सेस वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 meter लेंथ, इट इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल के अंदर इसको घुमाया जा रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द टॉप वी 4 meter per second, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दैट इंस्टेंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट न्यू, टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो वहां पे फोर्सेस के हालचाल देखो कैसे होंगे। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा टेंशन, और एक क्योंकि अपन पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर या एल जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है ना, तो यहां पे इनको बैलेंस जब आप करोगे तो आप देखोगे कि टी प्लस एम जी ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आ जाना चाहिए। लोअर मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में बिल्कुल उल्टा बन गया ये केस, पिछले केस में लोअर मोस्ट पॉइंट पर निकाला था, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, राइट। तो टी किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, सबकी वैल्यू रखते हैं। क्या हमें एम दे रखा है 1 kg, क्या हमें वेलोसिटी दे रखी है 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, क्या हमें रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है 1 meter, माइनस मास दे रखा है 1, जी की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10, तो 16 माइनस 10 तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 6 N। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप अगर डरो नहीं, और जितनी भी पिछली नॉलेज और इस वीडियो के अंदर जो आपने नॉलेज एक्वायर करी है उसको शांतिपूर्वक तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये सब लोगों को आई होप फील हो रहा होगा। अ वेटलेस चैड कैन विदस्टैंड टेंशन अप टू 30 N, स्टोन ऑफ मास 0.5 kg इज टाइड टू इट एंड इज रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 meter इन वर्टिकल प्लेन। ध्यान रखना थोड़ा इंटरेस्टिंग बना, जी को 10 m/s² लेना है, देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कैन बी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अब आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कहां पर होती है, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होती है। मैक्सिमम टेंशन भी कहां पर होती है, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होती है। तो आपको ये जो 30 N दे रखा है कि भाई इतनी मैक्सिमम टेंशन सह सकता है, ये बेसिकली लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है उस पार्टिकल की वो दे रखी है। तो सबसे पहले अपन इसी को यूज करते हैं। अगर आपको टेंशन का फॉर्मूला बताओ तो टेंशन हुआ करता था टी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस, याद आ रहा है कुछ, एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी टाइम्स 3 cos θ माइनस 2। ये किसी भी पोजीशन थीटा के ऊपर हम क्या निकाला करते थे, टेंशन निकाला करते थे। ठीक है, देखो ये वेलोसिटी की फॉर्म में लिख रखा है, अगर इसी को आप एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा एम ओमेगा ए स्क्वायर इंटू एल प्लस एम जी टाइम्स 3 cos θ माइनस 2। अब हमें थीटा इज इक्वल टू 0 पर टेंशन कितनी दे रखी है, 30 N। तो चलो सबसे पहले ये रखते हैं, 30 इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है हमें, 0.5 को अपन हाफ लिख सकते हैं, ओमेगा ए हमें फाइंड आउट करना है, एल कितना दे रखा है हमें, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 meter, तो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 2 meter, प्लस मास हमें दे रखा है 0.5 यानी कि 1/2, जी की जगह अपन ले लेते हैं 10, और थीटा की जगह 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 3 में से 2 चला जाएगा तो केवल और केवल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये m इंटू जी ही रह जाएगा, m रख दिया,
जी रख दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 को इधर लेके आएंगे, 30 में से 5 चला जाएगा, 25 बचेगा इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर, यानी कि ओमेगा ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जानी चाहिए, 5 रेडियन पर सेकेंड, यही उसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो काम आ रहे हैं अपने, वो छोटा सा कॉर्नर कितना काम आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, कंजर्वेशन ऑफ फलाना एनर्जी, डिमका एनर्जी, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता, और उसके बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्किल विद मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब वो रूट 5GL वाली कंडीशन। When the body reaches the uppermost point, the string breaks and the body move under the influence of the gravitational field. Obviously, projectile motion होगी. Of earth along a parabolic path, the horizontal range AC, ठीक है, AC यहाँ पर होगा, इसको हटा दो, of the body will be. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दो अलग अलग जगह से कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया गया है। तो आपको पता है कि जब स्पीड डाउनवर्ड जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है वहां पर रूट 5GL होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, अंडर रूट जीएल हो जाती है। बोलो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड आपकी वी है तो आपकी जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते थे आप, सबसे पहले तो टाइम निकालते थे, उसमें वर्टिकल कंपोनेंट लेते थे, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है, तो एक तरीके से पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हो, और जब पार्टिकल को एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, रूट टू एच अपॉन जी। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट टू, कितनी हाइट हो गई, 2L डिवाइडेड बाय जी। और अगर आपके पास में टाइम आ गया तो आप रेंज निकाल सकते थे, यानी कि ए सी निकाल सकते थे, कितनी हो जाती थी, स्पीड रूट जी एल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि रूट 4L डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी। देखो अंडर रूट जी से तो अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा, रूट एल और रूट एल मल्टीप्लाई होके एल हो जाएंगे, और अंडर रूट 4 से आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितना हो जाएगा, 2L हो जाना चाहिए, यानी कि आपकी जो रेंज आएगी हॉरिजॉन्टल वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2L के इक्वल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग जगह की जो इंफॉर्मेशन है उनको मिक्स किया जा रहा है, एक तो ये इंफॉर्मेशन कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5GL होती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, रूट GL। नहीं याद होगी तो आपको फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फोर्सेज ये वो लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। छोटे छोटे फैक्ट्स है, याद रखो क्वेश्चन के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आपकी, राइट। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी तरीके का, चलो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड अ वर्टिकल सर्कल इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रिंग वायर इज 2 kg वेट, देन द मास ऑफ द स्टोन मस्ट बी। तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 6 mg होता है, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा है, 2 kg वेट। 2 kg वेट का मतलब है 2 × 10 20 N। तो हमसे पूछा गया है कि मास कितना होगा, तो मास हो जाएगा आपका 2 × 10 डिवाइडेड बाय 6 × g की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10। 10 से 10 चला गया, 2 / 6, 1/3। इतना मास आपका पार्टिकल का हो जाना चाहिए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया गया है छोटी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर, और अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता होता तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में, जो चुटकियों में आपने सॉल्व कर दिया। मुझे आपको बताना है कि कितने बच्चों ने इस फैक्ट को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था कि हमें ऐसा कुछ किया है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ए बी सी डी ई एंड्स इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। अ बॉडी स्लाइड्स डाउन द ट्रैक फ्रॉम पॉइंट ए व्हिच इज एट हाइट एच इज इक्वल टू 5 cm। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ऑफ द फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप इज। अब हमें पता है कि अगर यहां से एज हाइट से किसी पार्टिकल को रिलीज किया जाएगा और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई जाएगी, तो यहां पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट 2GH के इक्वल निकल गएगी। हमने बहुत बार किया हुआ है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
और अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर उसको अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 5 g r होनी चाहिए। तो इधर से तो आप कह रहे हो कि स्पीड इतनी होगी और आगे की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, तो क्या हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं? तो √2 g h को जब आप √5 g r के इक्वल करोगे तो √g से √g कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट पूरा का पूरा रूट हटा दो, तो 2gh इज इक्वल टू 5gr, g से g कैंसिल, h की वैल्यू आ जाएगी 2.5 r, 5/2 मतलब 2.5 r। तो हमें r की वैल्यू पूछी गई है तो r हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 2.5 या 2h/5। हमें h दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर निकल के आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, दो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिक्स की जा रही है और यहीं पर आपको मजा आ रहा होगा यार। मोस्ट वांटेड सीरीज का सबसे बड़ा जो पर्पज है वो यही है कि आपको इतना फ्रिक्वेंटली सिलेबस को कवर करवाया जाए कि जब पिछली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के साथ मिला के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसी कठिनाई फील ना हो जैसी आप अभी तक करते आए हो। अभी आपके दिमाग में सबसे ताजा ताजा इंफॉर्मेशन है तो आपको भी मजा आ रहा होगा इन सारी की सारी चीजों को रिलेट करने के अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ सस्पेंडेड सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ दे रखा है एंगल है ना, वर्टिकल लाइन के साथ, ऑन रिलीजिंग इट्स वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। तो यहां पर है वो अभी, राइट, थीटा एंगल के ऊपर, और फिर जब छोड़ा जाता है तो धीरे 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 यहां पर आ जाता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या लगाया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहां पे देखा कौन सी चीज काम आएगी, मैंने बताया था ये जो हाइट होती है h वो किसके इक्वल होती है, l टाइम्स 1 माइनस cos थीटा के इक्वल होती है। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और h की वैल्यू आप रख सकते हो mgl टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0 क्योंकि इसको ड्रॉप किया जा रहा है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 जबकि काइनेटिक एनर्जी आप मान सकते हो ½ mv2, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो mgl 1 माइनस cos थीटा ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ½ mv2, m से m खत्म, तो v की वैल्यू आ जानी चाहिए अंडर रूट 2gl 1 माइनस cos थीटा। तुरंत आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो गया क्योंकि आपको वो चीज डायरेक्ट बता दी गई है जो कि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ थ्रेड एज शोन इन फिगर, ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट। ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं ना, इसमें लिख नहीं रखा बट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, एक थ्रेड से बांध कर इनको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट देन द रेशियो ऑफ द टेंशंस इन द थ्री सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, बेसिकली तीनों पार्टिकल्स के लिए आप देखोगे तो तीनों पार्टिकल्स के लिए जो रेडियस है उसकी वैल्यू बहुत ही अलग अलग है। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है वो तो आएगा किससे, टेंशन फोर्स से, बट क्योंकि स्ट्रिंग अलग है और रेडियस भी अलग अलग है तो टेंशन फोर्स अलग अलग होगी। तो सबसे पहले सी को कंसिडर करते हैं। सी के लिए आप लिखोगे कि उसका मास, मास तो सबका सेम दे रखा है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, उसकी वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है बट अपन वी मान लेते हैं, बार बार नॉट लिखने में जोर आता है, तो mv² अपॉन उसकी जो रेडियस है वो एल प्लस एल प्लस एल कितनी है, 3l है। ठीक है, और यही उसकी जो स्ट्रिंग है उसका उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला क्या हो जाना चाहिए, टेंशन फोर्स हो जाना चाहिए। तो ये तो TC के इक्वल हो गया डायरेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर TC लग रहा है, यहां पर ध्यान देना क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब B के ऊपर आप देखोगे ना तो B के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं,
एक तो लग रहा है टीसी और एक लग रहा है टी बी, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिया था एम वी स्क्वायर अपॉन 3L, वैसे इसके ऊपर सेंट्रीपिटल मैं बोल रहा हूँ, बट क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम हमेशा आउटपुट लेते हैं, अब तक तो आपको पता पड़ ही गया होगा। यहाँ पे आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन, या इसको है ना वी की बजाय, क्योंकि वेलोसिटी इन तीनों की अलग अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी इनकी क्या होगी, सेम होगी, तो अपन इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 3L, इसको चेंज करते हैं अपन, राइट। एम ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है उसको कंसिडर करते हुए चलो, ताकि आप रेशियो लो तो वो सारी की सारी जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 3L, और यहां पे आप देखोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 2L हो जाएगा। तो अब देखो बी के लिए, देखो सिचुएशन बी के लिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टीसी और एम ओमेगा स्क्वायर 12 तो उधर लग रहा है और टी बी इधर लग रहा है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 12 प्लस टीसी। अब टीसी की जगह डायरेक्ट में ही रख सकता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 3L, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, टी बी के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि 3 + 2 करोगे तो 5 एम ओमेगा स्क्वायर एल, इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं 3 एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एल, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, टी बी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो आई होप ए के लिए तो आप खुद कर लोगे, ए पे क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है टी बी, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है टी ए, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एल, तो इसकी इक्वेशन बनेगी एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एल प्लस टी बी, यानी कि 5 एम ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल्स टू टी ए, तो टी ए की वैल्यू आ जाएगी 6 एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, टी ए हो जाएगा 6 एम ओमेगा स्क्वायर एल, टी बी हो जाएगा आपका 5 एम ओमेगा स्क्वायर एल, और ये हो जाएगा आपका 3 एम ओमेगा स्क्वायर एल, ये कैंसिल हो जाएगा तीनों के अंदर, तो आपका रेशियो बचेगा 6:5:3। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, हो सकता है इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया, उन्होंने पहले टी सी टी बी और टी ए लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 3:5:6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज हियर वी हैव मिक्स्ड कंसेप्ट्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विथ सर्कुलर मोशन। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 मीटर, व्हेन डिस्टर्ब्ड स्लाइटली इट स्लाइड्स डाउन, एट व्हाट हाइट एच फ्रॉम द बॉटम द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अपन डिटेल के अंदर देखते हैं। ऐसा आपका एक स्फेयर है और बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आपने एक ब्लॉक को रखा हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो आपको 42 मीटर्स दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 21 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में यूज कर लेंगे, अभी अपन इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। When disturbed slightly, it slides down at what height h from the bottom? तो अपन एक काम करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट से इसकी हाइट निकाल लेते हैं, फिर 2r में से माइनस कर देंगे, 42 में से माइनस कर देंगे, ये जो चीज है इसको अपन मान लेते हैं h, और आपको पता है ये h किसके इक्वल होगी, मैंने अभी भी बताया था r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, अगर आप इस एंगल को कितना मानते हो, थीटा मानते हो। तो यहां पर आपका आकर आपका पार्टिकल जो है वो स्फेयर को क्या कर देता है, छोड़ देता है, निकल जाता है यहां से। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखो, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो लगेगा mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इसने क्या करा यहां पर इस स्फेयर से कॉन्टेक्ट जस्ट ब्रेक कर दिया, तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस वेलोसिटी की वजह से यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन
आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब एट व्हाट हाइट एच फ्रॉम द बॉटम द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर। अब आपको तो एच निकालना है, तो सबसे पहले तो अपन फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्सेस की अगर आप बात करोगे तो यहां पे दो फोर्सेस होंगे। mg को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये अगेन 90 माइनस थीटा। तो आपके जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे आ जाएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि एम जी कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होना चाहिए। एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर जी कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट व्हाट हाइट एच निकालना है अपनों को, तो बेसिकली अब एच को अपन सीन में कहां से लेके आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर था तो इसकी जो एनर्जी थी वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यहां पर अगर अपन एनर्जी लेते हैं तो यहां पर अपन पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो एच हाइट पर ही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो आप लिखोगे एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, रूट टू जी एच की। इसको जब आप यहां पर रखोगे तो इसका स्क्वायर टू जी एच डायरेक्ट रख सकते हो, इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपका जो जी से जी भी कैंसिल हो गया, एच की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू के इक्वल आ जानी चाहिए। अब ध्यान दो, आपका जो एच है वो खुद किसके इक्वल है, आर टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल है, वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल है, तो इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू रखोगे। आर से आर कट जाएगा, इस कॉस थीटा को उधर ले जाओगे तो वन इज इक्वल टू थ्री बाय टू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टू बाय थ्री। तो आपकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, आर टाइम्स कॉस थीटा की वैल्यू तो कितनी है, टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कट गया तो एच की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइडेड बाय थ्री। आर कितना है आपका, 21, और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो एच फाइनली आ जाएगा 7 मीटर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से, ध्यान रखो टॉप मोस्ट पॉइंट से 7 मीटर पर आपका पार्टिकल छूट जाएगा, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉटम से हाइट कितनी होगी, तो 42 में से 7 को माइनस कर दो, 42 में से 7 को माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन तो खैर ठीक है हमने कर दिया, बट इससे एक इंपॉर्टेंट बात हमें लेके निकलनी है, वो ये है कि जो दो रिजल्ट्स आए हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, कि जब भी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से आप किसी पार्टिकल को जस्ट स्लाइड करते हो तो वो थीटा एंगल पर उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, जिसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2/3। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/3, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। या हाइट की फॉर्म में लिखोगे तो रेडियस की जो 1/3 हाइट है उसके ऊपर आपका पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, उसे कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देता है। ठीक है ना, तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हालांकि ये बहुत रेयरली कभी पूछे जाएंगे, बट अगर पूछे जाए तो आपको डायरेक्टली यूज करने आने चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन दोनों के कंसेप्ट अप्लाई करके किया है, तो वो एक आपके लिए बोनस चीज होगी, राइट। खैर, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक था, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। लास्ट वीडियो में कॉलिजन और इस वीडियो में सर्कुलर मोशन, ये दो ऐसे फिनोमिना हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो घूमती हुई दिखाई देगी आपको, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज। थैंक यू।